व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग क्या होती है और रेले स्कैटरिंग लॉ क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि स्कैटरिंग होती क्या है। जब एक लाइट या लाइट रे स्ट्रेट लाइन में आ रही है और यहां पर इसको एक पार्टिकल मिला, पार्टिकल ये डस्ट पार्टिकल हो सकता है, गैस मॉलिक्यूल हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, ऐसे तमाम चीजें हैं जो हमारे हवा में एटमॉस्फेयर में है। अब जिससे ये टकरा के अलग अलग डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में ये बिखर जाती है, स्प्रेड हो जाती है, इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग। आप टिंडल इफेक्ट और जो सुबह शाम और दिन में आप जो सन देखते हैं और आपका आसमान देखते हैं ब्लू, वो सब इसी कारण से होता है। इसकी चर्चा करेंगे अभी, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी एनर्जी मान लीजिए ई है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और यहां पर आपका पार्टिकल है और ये स्प्रेड हुआ, ये आपकी फोटोन स्प्रेड हुआ या कहें कि रे स्प्रेड हुई। अब मान लीजिए इसकी एनर्जी ई वन है, अगर ई और ई वन बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसको इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। अगर E और E1 में अंतर है, E1 मतलब E1 कम हो गई E से, एनर्जी कम हो गई क्योंकि लूज ही करेगी एनर्जी, तो आप कहेंगे ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग है। यहां पर मैंने आपको अलग अलग तरीके की स्कैटरिंग दिखाई है। जो मेन टाइप की इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसमें रेले है, माई है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्कैटरिंग है। ध्यान रखिएगा इसमें और भी रमन स्कैटरिंग ऐसे तमाम आप सुनेंगे, मेन ये है। लेकिन रेले और सिलेक्टिव स्कैटरिंग एक ही है। जो रेले का स्कैटरिंग लॉ है बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेले का स्कैटरिंग लॉ ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। मतलब अगर मैं इसको इंटेंसिटी लिखूं स्कैटरिंग की, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा की पावर फोर से। तो आप देखिए कि यहां पर मैंने लिखा, अगर व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट कैसे होती है, जैसे सनलाइट जो बाहर से आ रही है वो व्हाइट लाइट होती है। अब इसमें क्या होता है विब्योर, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना वो कम स्कैटर होगा, तो इसलिए रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है। विब में ब्लू ले लेते हैं क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन एक तरीके से, लेकिन ब्लू लाइट हमको ज्यादा, वैसे तो वीआईबी का कॉम्बिनेशन दिखता है हमें जो हमारे ऊपर आसमान है, लेकिन ब्लू की क्योंकि वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो जितनी ज्यादा कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा ये स्कैटर होगी। और ये भी इंडिगो और वायलेट के साथ भी ट्रू है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये जब हमारा सन एकदम ऊपर होता है, 12 बजे की बात कर रहा हूं, तो जब ये सनलाइट आती है और यहां पर आप ऑब्जर्वर हैं, जितनी भी लाइट आ रही है इसमें ये वाली जो लाइटें हैं खासतौर पे ब्लू, ये स्कैटर अवे हो जाती है, ऐसे तो स्कैटर होती है, हर डायरेक्शन में होती है, तो आपको ये आसमान ब्लू दिखता है, लेकिन जो रेड लाइट है वो पास हो जाती है तो आपको रेडिश या फिर ऑरेंजिश सन दिखता है। लेकिन जब सन होराइजन पे होगा, यानी कि जब ये डूब रहा होगा या चढ़ रहा होगा, तब आप देखेंगे कि जब ये लाइट आएगी तो ये एक्चुअली में अवे चली जाती है, मतलब सारी स्कैटर बाहर की तरफ हो जाती है, ऐसे होगा ना, ये यूं करके यूं चली जाएगी, तो ये स्कैटर हो गए। तो इसीलिए आपको जो आसमान है वो अब काला काला दिखने लगता है और ब्लू नहीं दिखता है। फिर उसके बाद एकदम लास्ट टाइम जब ये सब डूब रहा होता है तो आपको बिल्कुल रेड, एकदम ग्रेट रेड या फिर ऑरेंजिश दिखता है डूबने से जस्ट पहले। जो लाइट स्कैटरिंग का मॉडल है इसको हम तीन डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक डायमेंशन लेस साइज पैरामीटर दिखा रहा हूं, डायमेंशन मतलब इसकी कोई भी यूनिट नहीं हो, वो है अल्फा। बहुत इजी है ये समझना क्योंकि अल्फा जो है वो ये है पाई, और ऐसे लिख देता हूं पाई डी पी बाय लैम्डा। अब इसमें पाई डी पी कुछ नहीं है, ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस है। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल इस तरीके का है तो इसका जो सर्कमफेरेंस है वही पाई डीपी है, और लैम्डा क्या है, जो आपकी लाइट वेव है उसकी वेवलेंथ है। तो अब इस अल्फा पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्कैटरिंग हो रही है। अगर ये जो वैल्यू है, ये अगर अल्फा लेस देन वन है तो कौन सी स्कैटरिंग होगी,
रेले स्कैटरिंग मतलब जब लाइट और जो पार्टिकल है वो दोनों इसकी वेवलेंथ और इसका साइज कंपेरेबल है तो रेले स्कैटरिंग होगी। अगर ये आपका अल्फा 1 के बराबर है तो माई स्कैटरिंग होगी। माई स्कैटरिंग यानी पार्टिकल, और जो पार्टिकल है वो बिल्कुल सेम साइज का है जो आपके लाइट की वेवलेंथ है। ये इसमें मैंने मैंने क्या कहा, कंपेरेबल है, लेकिन ये बिल्कुल सेम साइज का है। कंपेरेबल मतलब हल्का छोटा हो सकता है, हल्का बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि ये छोटा ही होगा, क्योंकि जब अल्फा ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो यहां पर होगी ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग। अब यहां पर क्या है कि जो लाइट पार्टिकल है, लाइट ये कहें फोटोन है या लाइट वेव्स है, उसकी वेवलेंथ और ये जो पार्टिकल है ये इससे बड़ा है, तो इसलिए आप देखेंगे कि हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि ये इसके ऊपर से निकल जाए। ये भी चांसेस है, ज्योमेट्रिक स्कैटरिंग कहते हैं इसको।